बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पहली वीडियो डाल रहा हूँ अपनी सेटअप की, जिसका नाम है बर्ड्स बजिस बर्ड्स कैफे के। तो मैं मेरा सेटअप है छोटा सा, आप देख लीजिए। आज मेरी पहली वीडियो है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सेटअप अंदर से। सबसे पहले मेरे पास आते हैं कबूतर। तो आप देख सकते हैं ये हाथों का पूछ है, जिसके बाद हो गई है। और बाकी मेरे साथ जो है ये पोस्टर पियर है, जो मेरे साथ पेंसिल कबूतर अंडे देते हैं, तो मैं इसके नीचे रख देता हूँ। मेरे पास एक बीमारी भी आई कि मैं कैसे सवार लग पाऊँ, वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे पास गंदम और पालक और इसका जो अपना दाना है वो दे रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ जगह हुआ मैंने सारे उठा के पेड़ लगाए हुए इसमें भी ज़्यादातर देख रहे थे। तकरीबन इसके 10 पट्टे बॉक्स के हिसाब से ये पेड़ है। जिसका सेटअप है, क्योंकि मैंने इसको अंदर एक अलग पिंजरा बना हुआ है इसके लिए, और उसको प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। हमारी जगह में टेम्परेचर का बहुत बड़ा मसला है, टेम्परेचर कंट्रोल करना या हमारा बस के काम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है हमारी जगह में। इसमें पिशर का पियर है, तकरीबन मैंने 5 दिन पहले ये जो लाउडर की अब पियर देखे, मैं 5 दिन पहले मैंने उठाए थे सारे कॉलोनी से और इसमें लगा दिया एक एक पेड़, ताकि मुझे कॉलोनी में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस वजह से मैंने ये सारे उठा के अभी इसमें डाल दिया। अभी ये तकरीबन 4-5 दिन ये हो गई है, देख सकते हैं कि सारे जो है बॉक्स में जा रहे हैं। और 4 दिन में अंडे भी लेके बजरी के पट्टे थोड़े से कट हुए, बाकी बजरी जो है ना वो मैंने सारे जो है तकरीबन 6-7 पेयर जो है मैंने छोड़ दिए, और बाकी जो है ये मैंने सारे इंशाल्लाह।
और ये अभी मटके लगे हुए हैं क्योंकि ये जो अंडी जो है वो बॉक्स में नहीं दे रही है, नीचे दे रही है। तो अभी सुबह सुबह इसने एक अंडा दिया हुआ है, आप देख सकते कि टूटा हुआ है, ये टूट गया इसने। उस वजह से मैंने ये मटके लगाए हुए हैं, अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। और इसकी मैंने पहले चार अंडे जो है इसकी बजरी के पोस्टर दिया मेरे पास, इसके नीचे रख दिए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किसने दो अंडे जो खराब किए थे और एक जो ब्लड लाइन था ये देख सकते हैं इसने बड़ा को बड़ा किया हुआ है और एक जो है जो थोड़ा छोटा है चला दिया और क्रस्ट की जो है इसके नीचे बड़ा को और एक थोड़ा सा छोटा है वो है मेरे पास रेडेस का किंग और ब्लैक आइज की जो मादी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं इसने एक दो तीन चार बच्चे जो है निकाले, चार बच्चे निकाले, दो अंडे भी काफ़ी है। वो कोई भी फार्मूला दवाई मवाई इस्तेमाल नहीं करते, मैं सिर्फ गंदम और पालक रहता हूँ। आप चाहते हो तो आपके बच्चों और आपके जो बच्चे से उसका साइज या किंग का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप बूटा यानी मकई हम कुछ तो लगवा के बोलते हैं इसको डाला करो तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक किंग का तो इसने भी माशाल्लाह मेरे साथ एक पेयर था जो बाहर उसके अंदर बैठा था, ये सारे उसके पट्टे हैं माशाल्लाह। ये मेरा ये उसके पट्टे उसने किंग अंडर साइज की और पियर है जो सादा इसका नर जो है दोनों क्रस्टेड की पर ये बच्चे किंग के बच्चे के पर इसमें जो बच्चे निकाल के वो आप जो जिस तरह ये दो एग्जीबिशन तीन या चार अंडे रख देता हूँ बैलेंस करके बाकी सारे जो है निकाल देता हूँ। ये पेलो कानर है रेडाइस के मादे, ये भी मेरे घर की अपनी ब्रीड है, इसके नीचे भी मैंने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब किंग के अंडे क्योंकि मैं बजिस के अंडे जो है वो निकाल लेता हूँ सिर्फ पोस्टर पेयर के उसको पाल रहा हूँ बजिस को इसलिए माशाल्लाह एग्जीबिशन जैसे ही और अंडे देगा मैं इसके नीचे रख दूँगा और इसकी जो अंडी वो निकाल दूँगा। इससे मैंने तकरीबन छः दिन पहले Thank you.
रखा हुआ है, ये किंग के सारे, इसके एक अंडा अपना है, बाकी दो अंडे जो हैं वो किंग के उठा लिए। इसका भी मैंने सेट किया हुआ है, इसके नीचे ले देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। हिसाब से तीन या चार से चाहे बदरी पांच अंडे दे दे, छह दे दे, आठ दे दे, तो आपको ऐसा करना है कि सिर्फ तीन या चार अंडे छोड़ना और बाकी जो सारे को उठाना है, तो आपका रिजल्ट जो है वो एकदम जबरदस्त आएगा। ये मेरे फर्ल का मेल है और इसके साथ ये मैंने भी पट्टी लगाई है अपने घर की, इसके अलावा मेरे साथ एक ही पेयर है। एग्जीबिशन में अंडा रखा हुआ था, बाकी जो बजरी के जो अंडे हैं वो शायद उसने ख़राब किए हुए, और आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन का पट्टा है जो मैं एक पेयर के नीचे सारे अंडे नहीं रख दिया था, एग्जीबिशन जब रोजापुर की जो बात जो अंडे रखे थे रोजापुर की, जिसका पेयर मैंने कल सेल किया है 6000 रुपये का, इसके माध्यम जो है वो किंग साइज के हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे साथ हुआ है, जो हो रहा है, मैं इससे कोई बात करूंगा, जो झूठ बोलना और अपनी वीडियो लाइव करने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो साथ में हो रहा है जो साथ में किया है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाऊंगा। मैं गंदम इस्तेमाल करता हूँ, मकई उसको डालता हूँ, पालक डालता हूँ, और एक तेल आता है जो मेरे पास अभी घर में पड़ा है, उसका नाम मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। वो मैं 3 किलो फीड में उसको 5 चम्मच डाल के उसको उसके साथ मिक्स कर देता हूँ, और जैसे रिंगने अंडे देगा कबूतर सारी के वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये मेरे पास डव के पेयर है जो मैंने सिर्फ ये एक जोड़ा लाया था 800 का, माशाल्लाह ये जो बाकी आप देख रहे हैं ये वाले ये वाले जो अंडों पे बैठी है अभी ये वाली, ये सब इसके पट्टे हैं, सब इसके एक जोड़े से है, माशाल्लाह ज़्यादा हुआ है। मैंने उसको सेल भी किया है तकरीबन 6 पीस को, 2-3 सर्दी में मर भी गई समझर अभी भी। ये गर्मी में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छा आते हैं पलटम। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारी जगह में टेम्परेचर का बहुत बड़ा मसला है, एक जो है गैस नहीं है अभी इधर, ताकि हीटर लगा और बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो सोचा जैसे ही मेरे साथ इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह मैं अपने के साथ शेयर करता रहूँगा। वो सारे थी मैंने दिखाए आपको, इस पर अभी चल भी आए हुए थे, मैंने इसको इस बड़े चेयर में छोड़ा हुआ है, और इसका जो I'm sorry.
मैंने इसको पकड़ लिया है, जो जो अंदर में तो सारे जो किल दिखा रहे थे सारे इसके पत्ते हैं माशाल्लाह, इसकी मारी पिक्चर बना रही है, इस वजह से मैंने इसको बड़ी केयर में छोड़ दिया। तो इसकी तो ये वीडियो आपको जो जो नई चीज़ बच्चे निकाले अंडे दे तो सारी चीज़ जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा।